नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार जी हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का चंबी मैदान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद यहां से रवाना होते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का जिक्र करूंगा और उसके बाद यहां जो जनता अपने घरों को रवाना हो रही है उनसे बातचीत करेंगे। संबोधन की अगर बात की जाए तो कांगड़ी में बाकायदा संबोधन शुरू हुआ। माता ब्रजेश्वरी को याद किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि जब भी मैं कांगड़ा आता हूँ मुझे बड़ा खरा लगता, बड़ा साफ बड़ी पहाड़ी जगह है कि जलू मैं हूँ थो कहना रहा तो मुझे बड़ा खरा लगता। दे दी गल पहाड़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र कितिया तो कहीं ना कहीं अपना टच दिया, कांगड़ी का टच दिया और लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि क्यों डबल इंजन की सरकार प्रदेश के लिए जरूरी है। क्योंकि यदि अगर केंद्र की सरकार एक योजना देती है तो प्रदेश की सरकार दूसरी योजना देती है जब एक विचारधारा की सरकार होती है। आयुष्मान योजना का जिक्र किया, हिमकेयर योजना का जिक्र किया, ग्रीन सुविधा योजना का जिक्र किया, तो इसके अलावा उज्ज्वला योजना का जिक्र किया। तो ये तमाम बातें जो उनके द्वारा जिक्र की गई और ये कहा गया कि घर घर जाएं, घर घर जाएं और लोगों से आशीर्वाद मांगे, 12 तारीख को मतदान हो तब भारतीय जनता पार्टी की इस के प्रत्याशियों को लोग जो है अपना आशीर्वाद दें और भारी मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संबोधन में उन तमाम कार्यों का भी जिक्र किया गया जो वर्तमान के 5 वर्ष के सरकार द्वारा किए गए हैं और इसके अलावा राम मंदिर से लेकर जो है कश्मीर में धारा 370 हटने को लेकर भी जो उन्होंने जिक्र किया कि प्रदेश की सरकार देश के हर कोने में कार्य कर रही है। कांग्रेस पर हमला किया कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कई राज्यों में ऐसी स्थिति हो चुकी है जहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। 60-60 वर्ष हो गए हैं कांग्रेस सत्ता से कई राज्यों से दूर है। पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक की तरफ चलेंगे किस प्रकार से जो है पब्लिक कहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग जो है बाकायदा प्रधानमंत्री के पोस्टर जो ये बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं इनको लेकर जो है रवाना हो रहे हैं क्योंकि क्रेज है लोगों में, इंटरेस्ट रहता है लोगों में। तो कहीं ना कहीं इनको साथ में लेके चली नहीं बोल सकते ना क्योंकि सरकार के ऊपर भी कुछ लगातार ये कहा जा रहा है कि पूर्ण रूप से खाली हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बूस्टअप लगा हुआ है। उन्होंने साफ और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब आप अपने घरों में जाएं तो बाकायदा जो है ये जिक्र करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पास नहीं आ पाए हैं, अपना आशीर्वाद जो है जनता के पास जरूर जाएं। तो एक ये महिला आ रही हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नीलम कुमारी। नड्डा जी का पोस्टर लेके जा रहे हैं? हाँ जी सर। सर वैसे सच में पूछ रहे हैं सर, हमारे ये फेवरेट है, हमारे हिमाचल के हैं ये, इसलिए जीत जाएगी भाजपा हिमाचल में? हाँ जी सर, जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? बोलती कई सीटों पे बड़ा मुकाबला लग रहा है। सर मुकाबला तो होता है पर भाजपा ही जीतेगी। इसके अलावा किसी का पोस्टर नहीं लिया? सर मोदी जी का ढूंढ रहे थे पर मिला नहीं हमें। क्या मिल जाएगा? तो देखिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जो है प्रदेश से हैं, बड़ा लगाव है इसलिए पोस्टर लेके जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? हाँ जी सर, जयपाल जी। कहाँ से हैं? मैं इंदौर से। इंदौरा से हैं? बोला इंदौरा में मनोहर दीवान भी लड़ने लग पड़े, रीता दीवान लग पड़े के वहाँ मुकाबले पे कोई नहीं है, बीजेपी जिंदाबाद पार्टी जी जाएगी इंदौरा में। बिल्कुल। तो ये इंदौरा से भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि रीता दीवान वहां से जीत जाएंगी। वहां पर कहीं ना कहीं त्रिकोण मुकाबला बन रहा है क्योंकि रोचक हो रही है वहां पर, अगर स्थिति की अगर बात की जाए रोचक स्थिति हो रही है। लगातार अगर मैदान के अगर बाहर की वहां से अगर वहां की तस्वीरें आप देखेंगे लगातार लोग जो है अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। काफी उत्साह था लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और जब उन्होंने अगर बात की जाए पहाड़ी में शुरुआत की अपने संबोधन की तो और भी ज्यादा कहा जा सकता है कि एनर्जी वो लोगों में भर कर चले गए।
तो लगातार जो है लोग जो है यहाँ को रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस के जवानों द्वारा जो है बेहतरीन कार्य किया गया है, क्योंकि व्यवस्था जो होती है वो पुलिस के जवानों पर निर्भर होती है, किस प्रकार से है सुचारू व्यवस्था होनी है। तो कहीं ना कहीं मैदान खाली हो रहा है, लोग जो है निकल रहे हैं। तो फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइव टाइम्स टीवी के पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।